सीढ़ी किधर से है? हाँ, कहाँ से गए आप लोग? ओ, हमको भी बताइए, अगर काफी घुमाऊ है। ये हम घूम के यहीं निकल गए, रास्ता किधर से है? हाँ, पीछे के साइड हो गया। ए भैया, यार रास्ता भी खोजना इसमें बहुत दिक्कत का काम है यार, सीढ़ी नहीं मिल रहा है। ए आप लोग ऊपर किधर से गए हैं, हमको ही बताइए। ये है सीढ़ी लगता है। हाँ, ये अरे वाह, अरे अरे, 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 अरे। और ऊपर ना, हाँ? फांसी रंग के थी। अरे उसे तो किनारे वाले समझ। किस पे चला? नहीं चला जी, फांसी घर ऊपर घूम लिया, फांसी घर ऊपर रहे वो ना, दूर बुरी हो चला जाए ना। अच्छा भैया लोग, थोड़ा आप लोग एक एक करके बताइएगा कैसा लग रहा है नीतीश भैया? बहुत ही अच्छा जगह है, लेकिन एक चीज देख के बहुत ही बुरा लग रहा है कि इस किले की स्थिति बहुत ही दयनीय है। गवर्नमेंट को जरूर ध्यान देना चाहिए बहुत। बाकी जब अब बहुत सारे जगहों पे मैं इंडिया में घूमा हूँ, बाकी स्टेट्स में, तो वहाँ ये चीज़ देखता हूँ कि छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स पे गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है, लेकिन देखिए रोहतासगढ़ का फोर्ट, रोहित जो कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और ऊपर से बाद में शेरशाह सूरी जो कि काफ़ी फेमस हिस्टोरियन सॉरी शासक थे, उन वो भी यहाँ पे राज किए हुए हैं। और ये देखिए हमारे गवर्नमेंट का काम, इस कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा, लेकिन किला थोड़ा पुरान हो गया है। तो किला पुराना ही होता है भैया। कहाँ है कपार? इधर जाओ, इधर सामने चश्मा पहन के। ओ भैया कहाँ चले गए? आते आओ, चलो साथ में चलते चलते। तुम बताओ चिंटू कैसे, कैसे मत पूछो, डायरेक्ट पूछो आपको कैसा लगा। आओ आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब बताओ चिंटू कि तुमको इस जगह पर कैसा लगा, मतलब किला आने के बाद कैसा लग रहा है तुमको? ये किला आने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि वो मतलब कोई भी मतलब देखा कोई भी गवर्नमेंट को ध्यान नहीं है यहाँ पर। बिहार सरकार इधर उधर मत जाइए, ध्यान देना चाहिए। काफी अंदर में है, पूरा पूरा कचरा है इस पर, पूरा भरा हुआ। आप देख रहे दोस्तों के पीछे पूरा कचरा है, लोग मतलब आते भी है घूमने तो यहाँ पर कचरा छोड़ कर चले जाते हैं। ये एक बहुत ही गलत चीज है, उनको कम से कम गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, तो लोगों को खुद से अवेयर होना पड़ेगा इस चीजों के लिए कि वो अपने ऐतिहासिक धरोहर को संभाल के रखें। देख करके भैया लोग ऊपर में थोड़ा सिर बचा करके झुक करके चलना है। वाओ, ये देखिए दोस्तों ऊपर नीचे करते करते थक गए यार हम लोग, एकदम आ गए हैं अब एंड पोजीशन पर। देखिए ऊंचाई पर चल रहे हैं,
साफ आ जाएगी, नीचे की करिए ना आपका पैर साफ आएगा। तो देखिए हमारे नीतीश भैया जो है वो फोटोग्राफी का कुछ टिप्स दे रहे हैं। हाँ दुर्गेश जी का फोटो नहीं खींची आप लोग, दुर्गेश जी का फोटो का जरूरत नहीं है, उनका शादी हो चुका है। गाइड है हमारे दुर्गेश धनकड़। दुर्गेश धनकड़ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं राजस्थान से, हमारे मित्र एवं सहपाठी। हाँ देखे, लेकिन बहुत पुरान किला हो गया। पुरान किला हो गया, आपके लिए नया बनवाया जाए? नया थोड़ा इसको मरम्मत किया जाए। अच्छा मरम्मत किया जाए। आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि इस दीवार की जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा ही है, मतलब बहुत ज्यादा है। और एक बात है दोस्तों की, अरे बाप रे, काफ़ी दूर में है दोस्तों ये किला। मतलब किला तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसका जो कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है। वो सोन नदी है क्या सामने? अच्छा तो देखिए दोस्तों, ये सोन नद, माफ़ कीजिएगा, सोन नद जो है वो है थोड़ी वहाँ पर, आपको दिख रहा हो शायद, और इस साइड आपको पूरा हम दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हाँ वो चिमनी है, हाँ वो धुआं निकलने वाला, जैसे आज हम लोग चिमनी बनाते हैं, खाना बनाने वाला है। हाँ खाना बना पकाना, रसोई है और चिमनी है। देखिए दोस्तों, प्राचीन चिमनी जो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से सब घर में लगाते हैं, ये तीन चिमनी है। हाँ चार था उतर एक बाने उतरने का, फिर मर जा रहा मनोहर। ये देखिए दोस्तों, चिमनी में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपको कैमरा, चिमनी है, चिमनी जैसे खाना बनता था ना उसका धुआं निकालने के लिए इस चीज को डिजाइन किया गया है। देखिए अंदर मत घुसिएगा दुर्गेश भैया, अंदर मत घुसिएगा, अरे वहाँ देखिए और लोग भी आ गया। नीचे से चले गए। आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे नीतीश भैया जो है काफी एक्सप्लोर डोरा द एक्सप्लोरर नीति, हाँ ठीक है हैंडल कर लेंगे, नीतीश भैया द एक्सप्लोरर। नहीं नहीं चलिए, कैसे इस्तेमाल कीजिएगा लटक करके। इधर से रास्ता पका, देख रहे दोस्तों कि दुर्गेश भैया जो है वो एक नंबर के एक्सप्लोरर है। देश भैया फोन पकड़िए, बंद कीजिए कैमरा आप, नहीं चाहे दिखाइएगा दिखाइएगा हमारे, हम भी इनके लिए कितना रिस्क लेते हैं, इन लोग सब्सक्राइब नहीं करता है। वेरी गुड, ये कैमरा पकड़ लीजिए। कितना फिट होगा, कूदिएगा और क्या दोस्तों। देखिए जो 11 फीट की दीवार है, हमारे नीतीश भैया जो है वो पूरा जंप करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लीज नीतीश भैया जंप मत कीजिए, शूज में है ना, इस पर पैर रखिए बैठ करके ही। आ रहे भैया आ रहे हैं, वहीं पैर रखिए, कूदना घूम के उतरना आपके लिए दिक्कत होगा, चश्मा देखिए गिर जाएगा, चश्मा हमको दे दीजिए, चश्मा पकड़िए तो दुर्गेश भैया दीजिए, चश्मा फेंकिए इधर दुर्गेश भैया, चश्मा फेंकिए इधर दुर्गेश भैया, चश्मा फेंकिए ना, डर नहीं रहे वो कुछ और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं और उसे कूदिएगा, बैठ करके कूदिए आराम से। देखिए दोस्तों हम लोग आप लोग के लिए कितना पैर रख सकते हैं, आप आइए ढलान में उसी हाथ पे लोड दे करके, पैर मत पकड़िए, वो आ जाएंगे खुद से और वहां से कूदेंगे। चलिए दोस्तों, मतलब देखिए उधर से सीढ़ी तो नहीं था रसोई घर में आने के लिए,
हम लोग अब अंदर से ऊपर से कूद फान करके हम लोग किसी तरह से पहुंचे हैं। देखिए आए भी नहीं, कितना साफ सुथरा है, कितना ठंडा है अंदेश भैया। अरे कितना ठंडा है, ये क्या चीज है? पानी भरने के लिए है, पानी भरने के लिए है। ये देखिए दोस्तों काफी काफी ठंडा है दोस्तों, ये जगह काफी ठंडा है। हम आपको रुके, हाँ देखिए ये सब जो दोस्तों सुरंग है, यही सब सुरंग जो है हम आपको मतलब बता रहे थे कि सरकार के द्वारा इसको बंद किया जा चुका है। इधर देखिए दोस्तों ये सब भी कुछ कुछ उसी टाइप के चीजें हैं अंदर। वाह सुरंग देखिए सुरंग है दोस्तों, पूरा साफ दिखेगा अंदर मोबाइल से बाहर निकल। देखिए दोस्तों पूरा सुरंग जो है, देखिए इस साइड से हम आपको दिखा रहे हैं, उधर हल्का रोशनी दिख रहा होगा आपको निकलने के लिए। हैं सुरंग बंद किया जा चुका है अब। छिपकली है खाना के दोस्तों, भट्टी नहीं, भट्टी नहीं भैया, ये भट्टी नहीं है, रसोई था, चिमनी ऊपर दिख रहा है, लेकिन ये हमको उन लोग का बाथरूम लग रहा है। अब यहाँ से कैसे जाएंगे? हाँ जाएंगे, एक सेकंड, हम लोग इसी में तो थे। हाँ नहीं इसमें नहीं थे, ऊपर थे इसके, देखिए गए हैं, संभल के चलिएगा पगडंडियों। दोस्तों अगर आपको, अरे भैया दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, यार पसंद आती है नहीं, पसंद आएगी ही जरूर, इतना हम आपको दूर आकर के दिखाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में वो जो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही घंटी वाला आइकन आता है उसको दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको हमारी नए वीडियोस सबसे पहले देखने का मौका मिलेगा, और वो मौका आपको ज़रूर छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। फिर हम लोग वहीं आ गए, हाँ घूम फिर करके वहीं आ गए। वहीं आ गए यहाँ से हम लोग जंप किए थे, हाँ इस पे से चलते हुए आए थे, फिर उधर गए उधर जंप किए। आइए इधर चलना है, सीढ़ी आगे है। दोस्तों आपको ये जगह कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और थोड़ा जीभ लड़खड़ा रहा है दोस्तों काफी लगातार बोलने के कारण, और हाफी छूट गया बोलते बोलते। ये देखिए दोस्तों अंधेरा भी है काफी, और हम लोग क्या है भैया, ये रूम होगा इन लोग का, नहीं तो डाइनिंग रूम। कुछ कुछ चीजों को बंद किया जा चुका है, चलिए देखिए नली बनाया हुआ है यहाँ इन लोग का, ये बाथरूम ये है असली। हाँ देखिए यहाँ पे ऐसे है पानी ड्रेन होने के लिए, इस इधर जगह है देखिए इधर दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, हम लोग मालूम नहीं है तो बताइए, सब बाथरूम वाथरूम सब घूम रहे हैं। रानी का सोने वाला आपको जगह चाहिए, ये क्या है, है? है? वही तो, आप बहुत अच्छा जानकारी दे दिए, ये तो हम लोग को पूरे देश में फैलाना चाहिए। देखिए सीढ़ी वहाँ है और हम लोग को वहाँ से सीढ़ी मिलेगा एग्जैक्ट, चलिए तब वहाँ चलते हैं हम लोग, यहीं से चलेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो बड़ा होने से मतलब नहीं है, आपको पुरानी चीज़ों को देखने का मौका मिल रहा है, तो इतना अच्छे से एक्सप्लोर करके हम आपको दिखा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और आपसे आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में गवर्नमेंट को टैग कीजिए, जिससे वो इस ऐतिहासिक धरोहर को ध्यान दे इसको सही करने में। हम लोग सीढ़ी खोजने में परेशान है दोस्तों, ये सीढ़ी आखिर है किधर से, ये कैसे है, होता गया है, सुरंग है मनुजी रख गया था एक समय में, देखिए सुरंग ही है फिर से,
इसको समय में ढका गया है। देखिए इसको भर के फिर से इसको खोला गया है। देखिए पूरा इधर साइड जो आपको मोटा मिट्टी दिख रही है ये सुरंग भरा ही गया है। इसमें ऐसे बहुत सारी सुरंगें हैं दोस्तों, इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। और मुझे लगता है दोस्तों कि अब ये वीडियो यहाँ तक मुझे रोक देनी चाहिए और दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को हमें यहीं पर एंड करना चाहिए और इस वीडियो का बनाना चाहिए सेकेंड पार्ट। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।